का बात का सरकार नहीं है। और बिहार में देखा जाए तो सीमा है पाकिस्तान से चलकर और नेपाल के रास्ते आपके इंडिया में घुसी बिहार में घुसी और बिहार से जो है दिल्ली नोएडा में गई थी तो फिर इसमें भी बीजेपी कहीं क्यों दोषा को उलझा देना वोट वोट करके इनको दिलवा दीजिए ये सत्ता पे सवार हमारे साथ क्या हो रहा है आपके साथ क्या हो रहा है इनके साथ क्या हो रहा है प्रताड़ित किया जा रहा है नंगा रोड पे दौड़ाया जा रहा है एक तरफ बेटी बचाओ का अभियान चलाया जा रहा है एक तरफ फेसबुक सोशल मीडिया पर बेटियों का उद्धार किया जा रहा है एक तरफ ज्योति मौर्या लड़की को टॉल किया जा रहा है और ज्योति मौर्या के चलते कुछ बची जो घर वापसी ली है पत्नियाँ उस पर फेसबुक पर लिखा जा रहा है कि जो जो घर वापसी ला रहा है ना तो वो पब्जी खेलेगी सीमा हैदर की तरह निकल जाएगी कहीं से रहा मणिपुर की हादसा सतहत्तर दिन बाद आउट हो रहा है इतना आखिर क्यों ना मोदी है तो मुमकिन है ये बताइए ही मुमकिन है कि एक तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है दूसरी तरफ बगल को को खबर भी नहीं कि कोई उसके नाम पर आज पूरे देश की महिला कैंडल मार्च करना चाहिए पूरे देश की महिला को रोड पे आना चाहिए और ब्लैक डे इंडिया का ब्लैक डे है जिस दिन वो महिला के साथ बलात्कार हुआ है हम लोग इंडिया का ब्लैक डे मनाएंगे बताइए इससे भी बुरा दिन होगा और देखिए बीमारी पट गया सुने बंगाल में हो गया सुने बिहार में हो गया हाँ एक तरफ महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा है प्रताड़ित किया जा रहा है नंगा रोड पे दौड़ाया जा रहा है एक तरफ बेटी बचाओ का अभियान चलाया जा रहा है एक तरफ फेसबुक सोशल मीडिया पर बेटियों का उद्धार किया जा रहा है एक तरफ ज्योति मौर्या इसल लड़की को टॉल किया जा रहा है और ज्योति मौर्या के चलते कुछ बची जो घर वापसी ली है पत्नियाँ उस पर फेसबुक पर लिखा जा रहा है कि जो जो घर वापसी ला रहा है ना तो वो पब्जी खेलेगी सीमा हैदर की तरह निकल जाएगी कहीं से राहत है हम महिलाओं को कहीं से राहत है हम लोग क्या है बोक्स जाएंगे जब पकड़ लेंगे लोग चंडी का रूप तो सरकार का प्रशासन का सबका औकात पता चल ओका गोदी मीडिया हैलो मोदी जी का हाँ। यही किसी विपक्ष की बात होती तो सतहत्तर मिनट नहीं लगता सतहत्तर सेकंड में ओपन हो गया रहता लेकिन सवाल है गोदी मीडिया मोदी मीडिया मोदी मीडिया के गोदी मीडिया कैसे आउट करे लोग और यहां उलझाया जा रहा है ज्योति मौर्या यहाँ बुलझाया जा रहा है सीमा है इधर कैसे आई सीमा है इधर मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है तो आर डी एक्स कैसे चल गया उतना पुलवामा हमला हो गया इन लोग के पास ईडी है सीबीआई है कैसे इन लोगों को सत्ता में रहे लोग सीट पे सवार इनको इससे मतलब है हमारी महिलाओं का अवेलना होता है हम लोग प्रताड़ित होते हैं हम लोग मारे जाते हैं जलाए जाते हैं जिन लोगों के द्वारा बलात्कार होता है उनके द्वारा अश्लील शब्दों से नवाजे जाते हैं पंद्रह लाख रुपया सबके खाते में आएंगे काला धन वापस आएगा कहां चला गया बी एस एन एल ऐसा कंपनी बताइए प्राइवेट किसको तादानी अंबानी तो इनको ये सबसे फुर्सत कहा है हम महिलाओं को देखिए इनके पास है युवा मोर्चा फल्ला मोर्चा इतना मोर्चा में इन लोगों को एक वहां झंडे थमा के उलझा देना सारा वोट वोट करके इनको दिलवा दीजिए ये सत्ता पे सवार रहेंगे हमारे साथ क्या हो रहा है आपके साथ क्या हो रहा है इनके साथ क्या हो रहा है महंगाई कहा है अब देश की राजनीति कहाँ है जय श्री राम कहाँ है और और विकास कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं है बस आज आप एक तरफ जय श्री राम के नाम से बैठे हुए एक तरफ आदि पुरुष फिल्म देखिए वही अगर आपके जगह पर कोई विपक्ष की सरकार होती तो आप लोग रोड पे नंगा नाचते अच्छा मैं बता ये बताइए कि मणिपुर वाले घटना में आखिर में क्यों बीजेपी के पार्टी को ही क्यों विरोध किया जाता है और क्यों उनको गलत साबित किया जा रहा है बीजेपी भारत का प्रधानमंत्री है आप

तालमेल इंडिया नेपाल सबसे आपका है देश भ्रमण विदेश भ्रमण आप कर रहे हैं आपका सिक्योरिटी कहाँ था